और इस वक्त की अहम खबर, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को राहुल गांधी ने चिट्ठी लिखी है। हाथरस पीड़ितों के लिए मुआवजा बढ़ाने की मांग इस चिट्ठी में की गई है। कहा गया है दोषियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग भी की गई है इस चिट्ठी में। चिट्ठी में पीड़ित परिवार से मुलाकात का भी जिक्र है। तो आइए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी में लिखकर क्या कहा है यह आपको बता दें। यह चिट्ठी इस वक्त हमारे पास आ चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी, हाथरस में हुई भगदड़ की दुर्घटना में 120 से ज्यादा लोगों की मृत्यु के समाचार से स्तब्ध हूं। हृदय में पीड़ा के साथ आपको यह पत्र लिख रहा हूं और यह जानता हूं कि आप भी यही पीड़ा महसूस कर रहे होंगे। कल सुबह जनपद अलीगढ़ और हाथरस के कई पीड़ित परिवारों से मैंने मुलाकात की और उनका दर्द साझा करने की कोशिश की। हादसा इतना दुखद है कि परिजनों से मिलते समय मेरे पास सांत्वना के शब्द भी कम पड़ गए, ये कहा है राहुल गांधी ने। अनेक परिवारों ने इस दुर्घटना में अपना जो कुछ भी खोया है उसकी पूर्ति तो किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, परंतु प्रभावित परिवारों की हर संभव सहायता करके हम उनका दुख कम करने का प्रयास अवश्य कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो मुआवजा घोषित किया गया है वो बहुत अपर्याप्त है, ये कहा है राहुल गांधी ने। मेरा आग्रह है कि मुआवजे की राशि बढ़ाई जाए और उसे जल्द से जल्द दिया जाए, साथ ही साथ घायलों को का समुचित इलाज कराया जाए और उन्हें भी उचित मुआवजा दिया जाए। ये नेता विपक्ष राहुल गांधी ने यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर निवेदन किया है और इस बात का जिक्र उन्होंने तब भी किया था जब वो पीड़ितों से मुलाकात कर रहे थे कि मैं कोशिश करूंगा कि मुआवजे की राशि को बढ़ाए सरकार। और अब ये चिट्ठी यूपी के सीएम को लिखी गई है।